साथियों, इस समय भारत देश ही नहीं पूरा विश्व कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए समय रहते लॉकडाउन पूरे देश में लागू कर दिया, उसके कारण यह उतनी तेज़ी से नहीं फैल पाया जितना यूरोपीय देशों में फैला है। निश्चित रूप से इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने पूरे देश को लॉकडाउन करके यह संदेश दिया कि पूरा देश आज उनके साथ खड़ा है। और उन्होंने लॉकडाउन इसलिए नहीं कहा कि इससे हमारा ही फायदा है, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसका एक ही उपाय है, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। इस दौरान आप केवल घर में रहें, परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ रहें, यहाँ वहाँ ना जाएं, और यदि विशेष परिस्थिति में जाना भी हुआ तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रहें, लोगों से बातचीत ना करें, और बातचीत के दौरान मास्क का उपयोग जरूर करो। इस महामारी ने निश्चित रूप से देश की कमर तोड़ दी है, हर देश से जहां लोग बीमार हो रहे हैं, उसके साथ ही देश की आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आने वाले समय में यह स्थिति और ख़राब होगी, लेकिन हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर शाम हुई तो सवेरा ज़रूर होगा। हम सब मिलकर कोरोना को भी हराएंगे, और उसके बाद सब मिलकर देश की प्रगति के रास्ता खोलेंगे, और एक बार फिर देश को आगे ले जाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, कृपया लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, और जितना हो सके अधिक से अधिक लोगों की मदद करें, विशेषकर उन गरीबों को जिनका चूल्हा रोज नहीं जलता है। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।